आराम से पढ़ेंगे। अगर क्या बात है कि क्वेश्चन है। थैंक यू जो भेजने वाले। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन थोड़ा है कि एग्जाम आए तो बहुत बच्चे कर नहीं पाए। एक्स का टू माइनस टू, एक्स का टू आई का माइनस टू, इधर एक्स का टू आई का माइनस टू, एक्स का फोर वाई का थ्री, एक्स का फोर वाई का थ्री ये इधर आएगा, एक्स का फोर वाई का थ्री, एक्स का वन वाई का टू, एक्स का वन वाई का टू क्या आएगा। ठीक है तो बच्चे कोऑर्डिनेट एक्स का वन वाई का टू, एक्स का फोर वाई का थ्री, एक्स का टू वाई का माइनस टू। ठीक है ये थोड़ा अलग सा टाइप का क्वेश्चन है। ये वो जो इसका ट्रायंगल बनाने के लिए मार्क सही है हमें, एक्स और क्या है एक डैश है, एक्स और एक डैश है, ये ओरिजिन है और इस पर वाई है। ठीक है हमें ये थोड़ा अलग सा टाइप का क्वेश्चन है। हमें हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया तो सेंटर रीजन है, इसका फिगर के लिए मार्क्स एक मार्क तो मिल जाएगा, बाकी छः पांच मार्क तो नहीं मिलेगा। ये थोड़ा अलग सा स्टाइल में ही होगा, कुछ अलग सा स्टाइल में क्या होगा मैं बोल देगा। ये अलोंग द वाई एक्सिस जाएंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस में नहीं होगा, अलोंग द वाई एक्सिस आएगा, ये वाई डैश, वाई डैश अलोंग द वाई एक्सिस विजिट करना है, एक्स एक्सिस में ये नहीं होगा। तो यहां से एक तो ड्रॉप करेंगे अलग तो वाई एक्सिस हम इसका विजिट करेंगे, यहां से एक तो ड्रॉप करोगे ये वाई का क्या आएगा माइनस टू आएगा। फिर यहां से हाँ जी बोलिए। सर वो जो पॉइंट है ना फोर और थ्री वहां से भी तो एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ तुम्हारा बात चले तुम्हारा ऊपर चलते ये फोर थ्री आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये नीचे का कैसे करोगे। अगर आप एक्स एक्सिस में विजिट करेंगे यहाँ से एक तो ड्रॉप करेंगे इधर करेंगे नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे। अरे और बोलो कैसे निकालेंगे बोलो। यहाँ से एक्स एक्सिस में सब कुछ हम करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, ये यहाँ से ऊपर का एरिया आ जाएगा, ये नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे। ये बच्चे एग्जाम में आता है मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। बोलो अनमोल कैसे करेंगे। तो ये अलोंग द वाई एक्सिस करने से ही सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है अनमोल। यस सर। तो ये एक्स एक्सिस में एक्चुअली इसमें अगर इस तरफ एक रहता है, इस तरफ का अगर रहता है तो एक्स एक्सिस में करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई एरिया इस तरफ से कोऑर्डिनेट रह जाता हम किए थे लास्ट क्लास, इस तरफ रह गया था ये तो भी देखे यहाँ पर भी ड्रॉप कीजिए। ये एक्स एक्सिस में नहीं होगा वाई एक्सिस में होगा, इसीलिए तो मैं बनाया नहीं तो लास्ट क्लास तो ट्रायंगल्स पढ़ाया तो फिर से क्यों ट्रायंगल्स से मतलब बोला रहा क्योंकि ये वाला अलग सा केस है। ये अगर बिलो द एक्स एक्सिस तो अलोंग द वाई एक्सिस जाना है, ये वाई का टू है, वाई का टू है और यहाँ से भी ड्रॉप कीजिए वाई का, ये अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं आएगा। अगर वाई का थ्री ठीक है वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। ठीक है पहला क्या करेंगे, पहला हमारा ये ट्रापिजियम निकालेंगे माइनस टू से प्लस थ्री, ये ट्रापिजियम निकालेंगे इसका एरिया आप पहला निकालेंगे। किसको टॉस कर रहा देखिए, पहला ये ट्रापिजियम निकालेंगे पूरा, किसको टॉस कर रहा देखिए माइनस टू से थ्री, ये पूरा ट्रापिजियम निकाल के इसमें क्या क्या माइनस कर देंगे, ये टू थ्री का एरिया ये वाला माइनस कर देंगे, अगेन ये माइनस टू से प्लस टू, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस टू से प्लस थ्री माइनस कर देंगे, ये कैसे निकलेगा,
ये पूरा ऊपर का एरिया हमेशा पहले ऊपर का एरिया आएगा, ये पूरा ऊपर का एरिया मीन्स पूरा सेट हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा। इसमें बिलो तो जो ये बिलो तो ये है, ये इसको टच कर रहा है, ये बिलो तो ये इस लाइन का नीचे का एरिया माइनस करना है, इस लाइन का एरिया भी नीचे भी माइनस करना है। पहले ऊपर का एरिया निकाल देंगे बच्चों, कहाँ से? -2 से 3। अच्छा यहाँ सर जो प्रॉब्लम है, पहला इक्वेशन में लाइन नहीं निकला है, प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन में लाइन नहीं निकला। निकालिए भाई डिटरमिनेंट में कम, वो भी एक बात है बताना होगा। चलिए एक एक तो निकालिए इक्वेशन, एक नामिंग दे दीजिए, नाम कैसे दें किसको दे, तुम्हारा चॉइस है। यहाँ से दे देते हैं, ये दे दीजिए, ये बी दे दीजिए और ये सी दे दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, नाम दे पूछते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ एबी निकालिए, डिटरमिनेंट मेथड में निकालिए। आपका फिर डिटरमिनेंट मेथड आपका 12 क्लास ताजा ताजा पढ़े हैं आप। ओके ये हाफ एक्स वाई का आर्बिटरी पॉइंट लेना पड़ेगा, और वाल हमेशा ये रहता है, ये पूरा बुक में है, पूरा चेक बुक में डिटरमिनेंट चैप्टर में एक्स प्लान वाल आया। फिर एक कोऑर्डिनेट लीजिए, एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए वन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एबी निकालना है तो एक कोऑर्डिनेट लीजिए, बी कोऑर्डिनेट लीजिए, फोर थ्री वन इक्वल टू जीरो। तो हाफ तो ये इंटू टू जाके उधर जीरो हो जाएगा, तो एक्स इंटू बोलिए कहेगा टू -3। मेरा कभी कभी गलत हो जाता है बच्चों, तो देखोगे एक्स इक्वल टू 2-3, -y इक्वल टू देखिए -y इक्वल टू 1, -4 इंटू 1, -y इक्वल टू क्या होगा 1, -4 इंटू 1, लॉस 1 इंटू देखिए लॉस 1 इंटू आएगा कितना 3, 3 -8 प्लस वन इंटू क्या आएगा 3-8 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये -x आएगा और ये -3-1 +3y आएगा, -3-1 +3y आएगा, 8-3 -5 आएगा। काम कीजिए माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x-3y +5 इक्वल टू जीरो, ये -x आएगा अगेन, ये +3y आएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन x-3y इक्वल टू 5 माइनस 25 से y इक्वल टू कीजिए, सॉरी इधर x इक्वल टू कीजिए, क्योंकि अलोंग द y एक्सिस जा रहे हैं ना, हमें सब y में चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू dy आएगा, ये सब dy आएगा तो y में चाहिए, तो x इक्वल टू कर लीजिए, आपको बाद में ही हो जाएगा, x इक्वल टू कर लीजिए, ये -5 +3 सभी वाई में चाहिए, डी वाई आएगा तो सभी आउटपुट वाई में चाहिए, एक्स इक्वल टू क्या -5 +3। ठीक है, अच्छा तो इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चे, x-3y इक्वल टू -5। ओके, और तुम लिख सकते हो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू लिख दो आपका अच्छा रहे, एक्स इक्वल टू -5 +3 है, एक्स इक्वल टू -5 +3 है। जो इक्वेशन ऑफ एबी आ गया, सही है ना गलत है थोड़ा बोलिए, आप खुद किए चेक किए बच्चों, अरे बोलो थोड़ा भाई। यस सर सही। हाँ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ बीसी निकालते हो, इक्वेशन ऑफ बीसी बोलिए। ये रहेगा हाफ एक्स वाई का आर्बिटर पॉइंट रहेगा, उसके बाद बी का पॉइंट सी का पॉइंट लेना होगा, बी का पॉइंट 4-3 है, सी का पॉइंट 2-2 है, ओके बी का पॉइंट 4-3 है, सी का पॉइंट बच्चे क्या है, सी का 2-2 -2 है। ठीक है बच्चे, ये देखिए ये तुम्हारा
ये इक्वल टू जीरो कीजिए, ओके, वन बाई टू तो यहाँ से हो जाए, एक्स इक्वल टू कितना रखे, एक्स इंटू क्या होगा, थ्री प्लस टू, एक्स इंटू क्या होगा, थ्री प्लस टू होगा, ओके, थ्री माइनस एट प्लस टू होगा, माइनस वाई इंटू क्या होगा, फोर वन जब फोर, फोर वन जब फोर, टू वन जब टू, प्लस वन इंटू क्या होगा, प्लस वन इंटू क्या होगा, माइनस एट, माइनस एट माइनस सिक्स, तो सही होगा कि नहीं, तो देखिए प्लस वन इंटू माइनस एट माइनस सिक्स, माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू, ठीक है, ये फाइव एक्स, ये द्वारा टू वाई माइनस टू वाई, ये माइनस फोर्टीन उधर के प्लस फोर्टीन, यहाँ पर एक्स इक्वल टू कीजिए आपको ये जो आएगा, फिलहाल लिख दीजिए फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर्टीन, इसका इक्वेशन है फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर्टीन, इसका इक्वेशन, लेकिन एक्स इक्वल कर लीजिए आपको बाद में फिर ये हो जाएगा, क्योंकि सभी ये वाई फाइव एक्स इक्वल टू क्या है, फोर्टीन प्लस टू वाई, एक्स इक्वल टू कर लीजिए क्योंकि सभी इन टर्म्स ऑफ डी वाई में आएगा, डी वाई मीन एक्स इक्वल करने से वाई में आ जाएगा, एक्स इक्वल फोर्टीन प्लस टू वाई बाय फाइव, ये रखिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बच्चे बोलिए, इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी देखिए, अब ये छह मार्क का आता है तो थोड़ा बड़ा होता है, ये हाफ एक्स वाई वन आर्बिटर कोऑर्डिनेट है ना, ए कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट बोलिए वन टू, सी कोऑर्डिनेट टू माइनस टू के, ए कोऑर्डिनेट वन टू, ये कितना टू माइनस टू, तो आप फिर से चेक कर लीजिए, सी कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट वन टू, सी कोऑर्डिनेट टू माइनस टू के, नहीं बच्चे देखिए इक्वल टू जीरो कीजिए, टू तो ये हो जाएगा, एक्स इंटू क्या होगा, देखो ये टू ये प्लस टू हो गए, ये टू ये माइनस टू ये प्लस टू, ये माइनस वाई इंटू क्या होगा, वन वन माइनस टू, माइनस वाई इक्वल क्या होगा, वन माइनस टू, प्लस वन इंटू क्या होगा बच्चों, प्लस वन इंटू माइनस टू माइनस टू, ओके, प्लस वन इंटू क्या होगा, माइनस टू माइनस फोर, अच्छा सही है कि नहीं, तरह देखते रहिए आप थोड़ा, ये फोर एक्स ये प्लस वाई, ओके, अगर ये माइनस सिक्स उधर ले लीजिए प्लस सिक्स, तो फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, इसका इक्वेशन है ऐसे का, फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है, लेकिन एक्स इक्वल टू कीजिए क्योंकि हमें सभी डी वाई में चाहिए, एक्स फोर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वाई, तो एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस वाई बाई, ठीक है, तो ये हमारा काम खत्म हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट, तो बच्चों पहला ऊपर का एरिया पूरा निकल है, ऊपर से नीचे तक एरिया निकलेगा, मीन्स तुम्हारा ये माइनस टू से प्लस थ्री पूरा सेटेड एरिया निकलेगा, पूरा सेटेड एरिया पूरा सभी एरिया निकलेगा, ओके, ये एरिया पूरा माइनस टू से प्लस थ्री पूरा ये ट्रापेज़ियम का एरिया निकालेगी, ये पूरा एरिया निकालेगा, तो माइनस टू थ्री देखिए माइनस टू से थ्री किसको टच हो रहा है बच्चों, ऊपर वाला लाइन रेड वाला चेक देखिए, ऊपर वाला किसको, ऊपर में किसका टच हो रहा है, ये फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर्टीन, अच्छा ये हमारा वाई में विजिट कर रहा है, माइनस टू से थ्री वाई में विजिट कर रहे थे, डी वाई आएगा, ओके,
वाई में विजिट कर रहे हैं, माइनस टू से थ्री मिल से डी वाई आएगा। ये माइनस टू से प्लस थ्री, ये पूरा देखे, ऊपर को पूरा देखे, माइनस टू से प्लस थ्री, ऊपर का देखे डी वाई मीन चेंज इन वाई एक्सिस, ऊपर देखे तो यहाँ पर एक्स इक्वल कीजिए क्योंकि डी वाई है, एक्स इक्वल करने से सब वाई में आना है, यहाँ पर सब वाई में आना है, तो फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर्टीन हम किए थे साइड, एक्स इक्वल टू फोर्टीन प्लस टू वाई बाई फाइव, एक्स इक्वल टू फोर्टीन प्लस टू वाई इक्वल बाई फाइव। बच्चे ये द्वारा माइनस टू से थ्री हम जा रहे हैं, तो ये चेंज इन वाई एक्सिस इसलिए डी वाई होगा, जब डी वाई तो दस वाई में आएगा, वाई तभी आएगा जब एक्स इक्वल टू करोगे, तो ये बन रहा है तो फोर्टीन प्लस टू वाई माइनस टू वाई कर ले लीजिए, फोर्टीन प्लस टू वाई बाई फाइव हो गया, ये पूरा सेटेड हो गया बच्चों, माइनस टू से थ्री ये पूरा ट्रापेजियम सेटेड हो गया। अभी इसमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए एक तो हमें माइनस करना पड़ेगा ये माइनस टू से टू, ये इस लाइन को टच करता है, माइनस से टू ये लाइन को टच करता है, ये थोड़ा तुम चाहो तो छोटा कर सकते हो, ये जरूरत नहीं है, माइनस टू से प्लस टू इसका माइनस करोगे, फिर टू से थ्री इस लाइन को टच करो वो माइनस करोगे, सो पहले माइनस टू से प्लस टू ये लाइन माइनस होगा, पहला ये ट्रापेज़ियम माइनस करेंगे बना, ये माइनस टू हो गए, माइनस टू से प्लस टू किसको टच कर रहा है, देखिए ये लाइन को टच कर रहा है, ये पूरा बच्चों या माइनस टू से थ्री हो गया तो पूरा सेट हो गया, माइनस टू से थ्री ये पूरा सेट हो गया, पूरा ट्रैप ऊपर से गए, पूरा ये ट्रैपिज्म सेट हो गया। अब एक एक माइनस करेंगे, माइनस टू से प्लस टू ये बिलो तो ये लाइन, बिलो तो ये लाइन का, ये लाइन का बिलो ये माइनस करना है, किसको टच कर रही है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू आएगा सिक्स माइनस वाई बाई फोर, ये चेंज इन वाई एक्सिस हम जा रहे हैं, डी वाई चेंज इन वाई एक्सिस इसलिए डी वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये सिक्स माइनस वाई बाई फोर आएगा, सिक्स माइनस वाई बाई फोर, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस वाई बाई फोर। फिर बच्चों यहाँ से टू से थ्री का अंदर देखिए, टू से थ्री अंदर ये भी हमारा जो है माइनस होगा, ये भी माइनस हो, किसको टच कर रहा है देखिए, उसका इक्वेशन है फॉर एक्स इक्वल टू माइनस फाइव प्लस थ्री, ये भी माइनस होगा बच्चों, टू से थ्री भी ये भी माइनस होगा, माइनस टू से थ्री इसको टच कर रहा है बच्चों, टू से थ्री इस लाइन का इक्वेशन क्या है, माइनस फाइव प्लस थ्री वाई, माइनस फाइव प्लस थ्री वाई। यहां तक आपको दो तीन मार्क्स मिल जाएगा, ये ट्रायंगल्स के लिए एक मार्क्स और इक्वेशन के लिए एक मार्क्स और ये द्वारा इसके लिए एक मार्क्स मिल जाएगा बच्चों, तीन मार्क्स मिल जाएगा बच्चे। अब निकालिए बच्चों इसका जल्दी जल्दी, वन बाई फाइव को बाहर रख दीजिए कॉन्स्टेंट हो गए, ये वन बाई फाइव को बाहर रख दिए, फोर्टीन का इंटीग्रेशन बच्चों होता है फोर्टीन वाई प्लस टू, वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई टू, ए टू को कट जाएगा, क्या करना है माइनस टू से थ्री उसका ये माइनस होगा, वन बाई फोर को बाहर रखिए, सिक्स का इंटीग्रेशन सिक्स वाई माइनस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, ये माइनस टू से प्लस टू, ये तो बच्चों माइनस टू से प्लस टू, फिर टू से थ्री है ये भी माइनस होगा, इसमें कुछ नहीं है, ओके माइनस टू से थ्री भी माइनस होगा, इसका माइनस फाइव आएगा, और ये विद रेस्पेक्ट टू वाई बच्ची है, गलती लिखे विद रेस्पेक्ट टू वाई होगा, सब विद रेस्पेक्ट टू वाई है, ये भी वाई बाई आएगा, माइनस फाइव वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर बाई टू आएगा, वाई का वाई स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है अच्छा अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखिए, वन बाय फाइव पहला थ्री डालिए, फोर्टीन थ्री जब बोलिए फिफ्टी टू होना कितना,
अरे फोर्टीन थ्रीजा बोलिए कितना, चलो बोलिए फोर्टीन थ्री 42 फोर्टी टू ओके फोर्टीन थ्रीजा 42 ना 52 42 लॉस थ्री डाले नाइन नाइन माइनस माइनस टू डाले माइनस टू डालने से कितना आता है दो फोर जाए एट माइनस 28 बच्चों टू डाले माइनस टू डाले 28 अगेन बच्चों टू डाले माइनस टू का स्क्वायर 4 ओके बच्चों ये फिर से बोल रहा हूँ ये पर थ्री डाले 42 प्लस 9 अगेन माइनस माइनस टू डाले माइनस 28 ये माइनस टू का स्क्वायर 4 ओके अनंत अभी आए ना कब से आए तुम्हारा अनंत कब आए स्टार्टिंग से आए सर 8:10 में 8:10 से 10 मिनट लेट आज तो फिर समझे कि नहीं सर स्कूल क्लास 8:10 में खत्म है अच्छा ठीक है तो फिर मुझे बोल तो कल से 8 से 10 पे करेंगे छोड़ो हो ये समझे कि नहीं समझे यहाँ पर एक्चुअली कोऑर्डिनेट दिया था 2 से -2 और ये 4 से 3 और क्या 1 से 2 ओके ये वीडियो में शेयर करूँगा फिर भी देख लीजिए 1 से 2 कोऑर्डिनेट दिया था इस कोऑर्डिनेट जब दिया था इसका इक्वेशन बनाए बाय डिटरमिनेंट फॉर्म में ओके एक्स वाई 1 ये 1 2 और ये इक्वेशन ऑफ एफ भी हम निकाले डिटरमिनेंट फॉर्म एक्स वाई 1 ये कोऑर्डिनेट 1 2 और क्या 4 3 1 2 1 ये हमारा डिटरमिनेंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन डिटरमिनेंट मेथड हम निकाल सकते हैं तो ये एफ बी का इक्वेशन आया ये बी सी का बी का फोन लेंगे क्या बी सी का इक्वेशन कैसे यहाँ पर आया ओके एक्स वाई 1 बी का कोऑर्डिनेट 4 3 था 1 लोगे सी का कोऑर्डिनेट 2 -2 था 1 लोगे डिटरमिनेंट फॉर्म में आया ये आया 5x-2y=14 ओके नेक्स्ट इसका निकाले एस सी का निकाले डिटरमिनेंट फॉर्म में ओके एक्स वाई 1 ए का कोऑर्डिनेट 1 2 था सी का कोऑर्डिनेट 2 -2 था डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वेशन लाइन आया 4x+5 ओके अच्छा यान ये तुम्हारा वाई एक्सिस में विजिट करना है नहीं तो होगा नहीं ये एरिया पे ट्रायंगल निकालना है वाई एक्सिस में विजिट करना ये एग्जाम आया था बिलो तो एक्स एक्सिस जब होता तो वाई एक्सिस में जाओगे ये एक्स एक्सिस में नहीं हो पाएगा वाई यहाँ से क्या कर रहे हैं -2 से 3 इसको टच कर रहा है -2 से 3 इस लाइन को टच कर पहला एरिया पर ट्रापेज़ियम आ जाएगा इसको टच कर रहा है तो यहाँ पर ये डी वाई विजिट किए वाई एक्सिस को विजिट किए इसलिए डी वाई हुआ यहाँ पर एक्स इक्वल टू करते हो सभी वाई में आ जाएगा ओके उसमें -2 से +2 ये माइनस कर दोगे ये वाला इसका लाइन का नीचे ये वाला फिर उसके बाद तुम्हारा ये 2 से 3 इस लाइन का ये एरिया माइनस कर दो ठीक है वो इसको टच कर रहा है माइनस का उसके बाद ये इंटीग्रेशन हुआ है उसका ओके इसका वीडियो पढ़ लेना ओके और एक तो अभी करवाएंगे इसका डायट है और एग्जाम में ट्रायंगल से आएगा लास्ट वीडियो में ट्रायंगल्स पढ़ाया था मैं वो वीडियो कल शेयर कर लूँगा ओके पढ़ लोगे थोड़ा ओके देखिए 1/4 था 2 डाले 12 2 डाले 12 माइनस 2 डाले 4/2 आएगा माइनस 2 का बच्चा हो गया 12 माइनस 4/2 आया माइनस माइनस 2 डाले माइनस 2 डालने से -12 होता है -2 डाले -2 का स्क्वायर 4/2 आएगा -2 डाले -12 -2 डाले -2 का स्क्वायर 4/2 आएगा ओके ये खत्म हो गया अगेन ये फिर माइनस होगा पहला क्या डालेंगे 3 डालेंगे ओके 3 डालेंगे तो -15 प्लस 3 डालेंगे 3 डालने से तुम्हारा क्या होता है ये 3 का स्क्वायर 9 थ्री जो 27/2 माइनस अब 2 का करते हैं 2 होता है तो -10 प्लस 2 डालिए 2 का स्क्वायर हुआ 4 2 का स्क्वायर 4 4/2 2 थ्री जो 6 2 का 4/2 आएगा 2 थ्री जो 6 हो गया पहला इसका आंसर में ये कर लेते हैं 1/5 है ये 42
प्लस 9 प्लस 28 माइनस 4 कितना आएगा देखिए 25 टोटल आ रहा है टोटल 25 आ रहा तो दैट इज 42 यस सर 75 कितना आया देखो ये सम मिला आ रहा है ये 42 प्लस 28 प्लस 9 कितना आ रहा है उसमें बाद में माइनस फोर कर देंगे 8 तो 10 तो 19 1 5 2 7 79 माइनस 4 माइनस 4 दैट इज कितना 75 ओके नेक्स्ट यहां पर माइनस 1 बाय 4 ये 12 प्लस 12 कितना ये पर आ ये कट जाएगा ये प्लस 2 हो कट जाएगा 12 प्लस 12 24 नेक्स्ट देखिए ये कितना बन रहा है देखिए ये बन रहा है कितना माइनस 10 प्लस 6 बोलिए माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 माइनस माइनस फिर प्लस 4 हो जाएगा ओके ये द्वारा माइनस 4 आता है माइनस है प्लस 4 माइनस 15 प्लस 4 माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 प्लस 27 यहाँ पर बच्चों बन रहा है ये माइनस 4 ये प्लस 4 ये बन रहा है कितना 25 ये माइनस 6 ये थोड़ा अलग आएगा ये प्लस 11 15 होगा ना कितना आएगा बोलो सर सो वो 25 नहीं होगा सर 15 होगा ओ सॉरी सॉरी 15 ये 6 आएगा माइनस 6 ये प्लस 11 माइनस 27 ये 15 देखिए 11 माइनस 6 कितना आता है आई बात है ये 20 माइनस 27 बाय 2 11 माइनस 6 5 है तो बच्चों एंड 15 प्लस 5 20 ओके एलसीएम ले लीजिए तो ये 40 माइनस 27 प्लस कितना बोलो 13 13 बाय 2 अनंत अभी नेक्स्ट नया जब पढ़ाएंगे समझ में आएगा अभी ये थोड़ा समझ में नहीं आया फिर भी तुम पढ़ लेना थोड़ा मैं दोनों वीडियो लास्ट किए थे अभी भी ये दोनों वीडियो भेज दूंगा अच्छा क्या मिस ये नाम क्या प्रीतिश ये क्वेश्चन दिया है यूजिंग मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ओके बाउंडेड बाय द लाइन सॉरी ठीक है कोई बात नहीं ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है पहला है देखिए 2x plus y equal to a इसका लाइन बनाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाते हैं जल्दी होगा वे इंटरसेप्ट फॉर्म में x by x इंटरसेप्ट y by y इंटरसेप्ट equal 1 अगर नहीं होता टेबल मेथड में करेंगे कोई इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं होता तो टेबल वाला के बनाएंगे देखिए एक ये 2x plus y equal to 2 इधर वन बनाना है यहाँ इंटरसेक्ट फॉर्म में वन बनाना है इधर ये वन कैसे बनेगा फोर डिवाइड करने से बनेगा फोर डिवाइड कर दीजिए एक्स बाय टू वाई बाय फोर इक्वल टू वन ओके यहाँ फोर डिवाइड करने से बनेगा वन तो यहाँ पर डिवाइड टू फोर डिवाइड कीजिए यहाँ पर वन बनाना है राइट साइड में वन बना है तो फोर डिवाइड कीजिए ओके एक्स का इंटरसेप्ट टू वाई का इंटरसेप्ट फोर इक्वल ओके तो एक्स का टू इंटरसेप्ट है ओके y का 4 इंटरसेप्ट है तो पहला लाइन बन गया बच्चे और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए थोड़ा आगे क्या इक्वेशन है 2x
प्लस वाई इक्वल टू फोर, फोर डिवाइड कीजिए, ये वाई का फोर इंटरसेप्ट है, एक्स का टू इंटरसेप्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स, सिक्स डिवाइड कीजिए, इधर भी सिक्स, इधर भी सिक्स, इधर भी सिक्स, ओके, सिक्स डिवाइड कीजिए, ये एक्स बाय थ्री आएगा, ये वाई बाय कितना आएगा, माइनस थ्री आएगा, एक्स बाय टू आएगा, सॉरी ये काट दीजिए, एक्स बाय टू आएगा, ओके, ये वाई बाय क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा, ओके, इक्वल टू वन। तो ये थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स था, तो यहाँ पर वन बना ले तो सिक्स डिवाइड किए, तो सिक्स डिवाइड किए तो ये यहाँ पर एक्स का टू इंटरसेप्ट आया, वाई का माइनस थ्री आया, ओके, एक्स का टू वाई का माइनस थ्री, ओके, एक्स का टू इंटरसेप्ट आया, वाई का माइनस थ्री नीचे आया, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, बच्चे ग्राफ के लिए मार्क्स तुम्हारा। अच्छा तो और भी बढ़ा सकते पूछा, इसका इक्वेशन लिख दीजिए, क्या इक्वेशन था इसका, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स डिवाइड किया, एक्स का इंटरसेप्ट टू आया, सिक्सटी बैठ के तो वाई का इंटरसेप्ट माइनस थ्री आया। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, बच्चों ये तुम्हारा बनेगा नहीं, ये तुम्हारा जो नेक्स्ट जो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव ये बनेगा नहीं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बनेगा नहीं, इसको टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए बनाइए एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू क्या देगा, ओके, और ये सभी वाई इक्वल टू कीजिए, नहीं तो एग्जामिनर करेगा वाई इक्वल टू समथिंग कीजिए, नहीं तो एग्जाम उड़ा देगा, वो ऐसा रहता है, इसमें भी काट देते हैं वो, अगर तुम वाई इक्वल टू कर दोगे तो गलत बात है। हाँ हमारा एफ एक्स इक्वल टू ऐसा रहता है ना सर, तो सर वाई इक्वल टू बनाइए, अगर तुम एक्स इक्वल टू बनाओगे तो काट देते हैं ना, तो नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में एक्स इक्वल टू करके टेबल बना बोलो सर, इसको तो हम इधर माइनस फाइव डिवाइड करेंगे, फिर वाई के पास जो कोएफिशिएंट है माइनस थ्री, माइनस फाइव बाय माइनस थ्री करके भी तो कर सकते हैं, माइनस फाइव बाय थ्री डेसिमल में आएगा, करोगे तो अच्छा बात है, ये सर डेसिमल में आएगा पर हो तो जाएगा, ये बात सही है, ठीक करते कर दीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दीजिए इसको, ये मैं कर रहा हूं, ये फिर इंटरसेप्ट फॉर्म फिर जो हम पढ़ेंगे ना फिर जो एलपीपी एक तो चैप्टर है शायद है कि नहीं, इस बार काट दे मुझे पता नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दीजिए वो, ये सर एलपीपी है ना, काट दिए चैप्टर जो था एक एलपीपी, ये सर लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका थोड़ा ऐसा कट गया है, हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें छः मार्क आता है वो इजी है, वीक स्टूडेंट के लिए अच्छा है, अच्छा हो ठीक है, माइनस फाइव हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेते हैं, इधर माइनस फाइव डिवाइड कीजिए, इधर माइनस फाइव डिवाइड कीजिए, इधर भी माइनस फाइव डिवाइड कीजिए, यानी एक्स बाय माइनस फाइव हो गया, ये प्लस वाई बाय फाइव बाय थ्री बनेगा, फाइव बाय थ्री क्यों बनेगा समझो, तो उल्टाने से वही आएगा, उसको उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री थ्री बाय फाइव हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों के, इधर ही माइनस फाइव, इधर ही माइनस फाइव, इधर ही माइनस फाइव हो गया, ये वन हो गया, ये माइनस फाइव हुआ, ओके, और ये प्लस फाइव बाय थ्री, इसे उल्टा का मल्टीप्लाई करें प्लस थ्री बाय फाइव आएगा, वाई से उल्टा का मल्टीप्लाई करें, तो एक्स का इंटरसेप्ट माइनस फाइव है, ओके, एक्स का इंटरसेप्ट माइनस फाइव, ओके, जीरो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव,
एक्स का इंटरसेप्ट माइनस फाइव और क्या है, वाई का इंटरसेप्ट कितना, फाइव बाई थ्री। फाइव बाई थ्री डेसिमल में कितना रहा देखिए, नहीं तो मिक्स पैक सम कीजिए, थ्री वन जै थ्री और कितना, ये वन के बाद आता है फाइव बाई थ्री, थ्री वन जै थ्री वन फोर टू बाई थ्री, यहाँ पर कुछ आएगा बच्चों, फाइव बाई थ्री समझे बच्चों, त्री और टू बोल दो डेसिमल कर दीजिए आपका अच्छा है, तो वन वन और टू बाई थ्री, तो यहाँ पर देखिए एक्स का माइनस फाइव ओके ऐसा क्या, तो बच्चे हमारा ये शेडर रीजन निकालना, इसका आपको सब इक्वेशन सब लिख दीजिए ठीक है, ये एक्स का माइनस फाइव वाई का कितना वन और टू बाई थ्री, इसका इक्वेशन क्या था, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव, ओके एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव, अब बच्चों हमारा काम हो गया है, यहां तक आपको दो मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए अच्छा, अब बच्चों ये अलोंग द एक्स एक्सिस करेंगे ओके, तुम चाहो तो अलोंग द वाई एक्सिस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके अच्छा, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, क्या है टू और क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, देखिए किसका किसका ये सॉल्यूशन है ओके, ऐसा इन दोनों को सॉल्व करके कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें थोड़ा अंदाजे से कर सकते हो, एक्स का वन वाई का टू आएगा क्या, देखो एक्स का वन वाई का टू आएगा क्या, एक्स का वन वाई का टू, ये जो कोऑर्डिनेट जो है एक्स का वन वाई का टू आएगा कि थोड़ा अंदाजे से कर सकते, एक्स का वन वाई का टू देखो, एक्स का वन वाई का टू करने से फोर आएगा, इसको भी ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन को भी सेटिस्फाई करना है, एक्स का वन आने से कितना आता है थ्री, माइनस वाई का क्या ले टू, नहीं 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 कौन सा लाइन, इसका इंटरसेक्शन कौन सा लाइन हो रहा है, वन टू ये लाइन आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, ये वाला लाइन और कौन, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ये भी आएगा, फिलहाल ये लाइन का हम वन टू अंदर से लिए, ये लाइन को वन टू अंदर से ले लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है कि देखिए एक्स का वन वाई का कितना टू, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, माइनस सिक्स हाँ आ रहा है बच्चों, ये माइनस सिक्स प्लस और माइनस फाइव आ रहा है बच्चों, माइनस सिक्स प्लस और माइनस फाइव आ रहा है ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये वन टू आया ये एक तो चाहिए मुझे अच्छा, इसका भी अंदाज से ले लीजिए थोड़ा, इसका शायद थ्री कुछ नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, ये दो इक्वेशन को, इसका इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, मुझे लगता है ये फोर थ्री फोर शायद आएगा, एक्स का थ्री वाई का फोर देखिए, एक्स का थ्री वाई का फोर क्या करने से माइनस फाइव आएगा, माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री कितना बच होता है, छोड़ दीजिए सॉल्व कर दीजिए इसको, बोले सॉल्व करने से क्या क्या इक्वेशन आया, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है ओके, इस इक्वेशन का लाइन एक्स माइनस थ्री वाई है, इस इक्वेशन का लाइन थ्री एक्स माइनस टू वाई है, इसे इन दोनों को सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव है, इस इक्वेशन का लाइन है वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ओके, और एक इस इक्वेशन का लाइन है, इस इक्वेशन का लाइन एक्स माइनस थ्री बाई फाइव है, इस इक्वेशन का लाइन है थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स, तो एलिमिनेशन में सॉल्व कीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा,
कितना आया वही अंदाज कर रहे थे हम लोग क्या बोल रहे। ग्राफ पेपर होने से तुम्हें ये निकालने की जरूरत नहीं है, जब ग्राफ पेपर में तुम्हें मिलेगा 12th क्लास में तो वहाँ पर ये पता चल जाएगा ये 4 और 3 में इंटरसेप्ट कर रहा है। ग्राफ पेपर होने से आराम से हो जाएगा, जल्दी होगा। क्या बच्चे हमारे यहाँ पर हर काम हो गया, तुम चाहो तो इसको अलोंग द वाई एक्सिस कर सकते हो, चाहो तो अलोंग द एक्स एक्सिस कर लेते, बेटर इज अलोंग द एक्स एक्सिस हमेशा। चलिए ये करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, यहाँ से एक तो ड्रॉप कीजिए, एक्स का 1 आएगा, अगर यहाँ पर ड्रॉप कीजिए एक्स का 4 आएगा, ठीक है। ये 1 आएगा बच्चों, पहला ऊपर का में ये दो ट्रायंगल माइनस कर देंगे, पहला ट्रापेजियम का एरिया निकालेंगे, इसमें ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, किसको टच कर रहा है, देखिए पहला यहाँ इसके अंदर रह के देखिए किसको टच कर रहा है, ऊपर का ये ट्रापेजियम पहला एरिया निकालेंगे, ओके। तो 1 2 4 देखिए, 1 2 4 विजिट कीजिए, ओके 1 2 4 और ये 1 2 4 भी ट्रापेजियम का पहला एरिया निकालेंगे, किसको विजिट कर रहा है क्या है, और ये हम अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं इसलिए डी एक्स आएगा, और y इक्वल टू करने से सब इसमें यहाँ पर x में सब चाहिए, x में यहाँ पर सब x में आएगा, ओके। तो 1 2 4 हम गए तो ऊपर वाला पहला ये ट्रापेजियम का पूरा एरिया सेट हो जाएगा, पूरा एरिया सेट में ये ट्रायंगल दोनों माइनस करना है, 1 2 4 ये ऊपर को लाइन को ले रहे हैं, यहाँ पर हमें ये में चाहिए y इक्वल करने से x में आएगा, -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 -x, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इक्वल टू 5 प्लस x, -3y इक्वल टू -5 -x, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 5 प्लस x बाई 3, तो y इक्वल टू करने से x में आएगा, ओके। तो ये बच्चों 1 से 4, ओके, ये पूरा ट्रापेजियम का एरिया, पूरा ये ट्रायंगल, ये सब पूरा ट्रापेजियम का एरिया आएगा, ऊपर को लाइन को हम ऊपर लाइन से पूरा नीचे तक, ऊपर लाइन से पूरा नीचे तक पूरा एरिया आएगा, 1 2 4 ये आएगा कितना, इसको टॉच के 5 प्लस x बाई 3, उसमें बच्चे क्या माइनस करेंगे, ये दो ट्रायंगल बच्चे माइनस करेंगे, ये दो ट्रायंगल का माइनस करेंगे, इसका टॉच देखिए किससे कर रहा है, कौन सा इक्वेशन, ये माइनस करेंगे 1 से लेकर 2 माइनस करेंगे बच्चे, इसको टॉच हो रहा, देखिए किस पर टॉच हो रहा है, इक्वेशन के 1 से 2 वो ये ट्रायंगल बच्चों माइनस होगा, -1 से 2 इसका इक्वेशन बोले, 1 से 2 इसका इक्वेशन ये है, देन द्वारा y = 4 - 2x, y = 4 - 2x, क्योंकि हम अलग अलोंग द एक्स एक्स में जा रहे थे, इधर डी एक्स आ गया, इधर डी एक्स होते इधर सब एक्स में आएगा, ये एक्स में कब आएगा जब वाई इक्वल कर दस, सो 1 2 2 ये इस लाइन का नीचे, इस लाइन का नीचे जो एरिया है वो माइनस होगा, फिर ये 2 से 4 ये ट्रायंगल सब एरिया माइनस होगा, 2 से 4 ये एरिया का नीचे का ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर वाई इक्वल कीजिए, ये -2y = 6 - 3x, माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y = 3x - 6, माइनस मल्टीप्लाई की ये +3x ये -6 हो जाएगा, देन x = y = क्या हो जाएगा, 3x - 6/2, वेरी गुड, 3x - 6/2, तो यहाँ तक आप लोगों को 4 मार्क्स सेट हो जाएगी, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से जल्दी होगा, ये थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रहे समझा समझा के इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, ओके। अब बच्चे देखिए इसका इंटीग्रेशन धनाधन बनाइए, 1/3, ये 5x + x² / 2, ये 5x + x² / 2, ये 1 से 4 आएगा,
फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू वन बाई थ्री को बाहर रखो माइनस होगा, ये फोर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू ये टू टू कट जाएगा, वन से टू आएगा माइनस वन बाई टू को बाहर रखिए, ये थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सिक्स एक्स हो गया। तो बच्चों देखिए इसका आंसर करा दो, ये कितना है, ये जिसने इसका पूरा कितना है बोलो, इसका कितना है बोलो, अरे इतना किस सर, इसका पूरा सर आंसर, ये कोई क्या क्या इसका कितना है बोलिए, अरे पहले फोर का डाले इसको वन का माइनस वन का डाले, कोई क्या गया इसका कितना यार, अनंत हो या प्रीति सो ट्वेंटी प्लस टू, ये किसका कितना यार, फोर्टी फाइव बाई टोटल टोटल पूरा वन बाय फोर्टी फाइव बाई टू पूरा वन बाय थ्री मल्टीप्लाई करके फोर्टी फाइव बाई टू सर फोर्टी फाइव बाई टू, इसका कितना है बोलो, इसका कितना है, पूरा सॉल्व करके माइनस फोर आ रहा है, ये माइनस फोर आया दोनों को सॉल्व करके, दोनों टोटल दोनों इसका दोनों को सॉल्व करके, ठीक है दोनों का माइनस फोर आया, ठीक है और ये एलसीएम टू फोर्टी फाइव माइनस फोर माइनस एट सर, सर 45 बाय 2 में 1 बाय 3 इंटू होगा नहीं क्या, 1 बाय 3 मल्टीप्लाई नहीं किया आज सर, अच्छा ठीक है तो ये तुम्हारा कितना रहा, तो देखो ये कर देना चाहिए हम लोग किए नहीं, ये फॉर्मूला है 15 बाय 2 माइनस 4 ये 15 माइनस 8 7 बाय 2 यूनिट स्क्वायर कितना है देखो, कितना है बोलो, यस सर, बच्चे तुम लोग का हुआ कि नहीं ना, मैं यहाँ पर बना दे थोड़ा नहीं तो बच्चे लोग पहला 4 का डालोगे फिर माइनस 1 का डालोगे फिर 2 का डालोगे माइनस 1 का डालोगे फिर इसका क्या था लिमिट 2 से 4 4 का डालोगे इसका माइनस 2 का डालोगे, ठीक है और ये दोनों का माइनस फोर आया मिला के, ठीक है अच्छा बच्चा आज इतना रहने दो, कल इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, इनइक्वालिटी अलग से कॉन्सेप्ट है, तुम लोग का होमवर्क दे रहे तुम लोग घर में करोगे,